पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में शुरू होगी बहस। MQMP के साथ छोड़ने के बाद इमरान पड़े कमजोर, विपक्ष का 175 सांसदों के समर्थन का दावा। इमरान खान ने आर्मी के चीफ जनरल बाजवा से मिलने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन को किया रद्द। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, इमरान आखिरी बॉल तक खेलने वाले खिलाड़ी हैं। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के सीनियर नेता फैसल खान ने इमरान की जान को खतरा बताया। इमरान के पास ब्रिटेन के गृह मंत्रालय से आई चिट्ठी, लेटर में सरकार के खिलाफ साजिश का जिक्र है। इमरान खान ने चिट्ठी पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की, जनरल बाजवा और ISI चीफ से बात हुई। यूपी के मदरसों में अब राष्ट्रगान जरूरी, मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। CM योगी का फैसला, मंत्रियों को यूपी के बाहर जाने पर सूचना देनी होगी, 100 दिन का एजेंडा बनाने के लिए कहा। योगी ने अपने मंत्रियों को नई गाड़ी खरीदने पर रोक लगाई। शिवपाल यादव विधायक पद की शपथ लेने के बाद CM योगी से मिले। शिवपाल के बाद प्रदेश BJP अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यूपी के 24 जिलों में अब 13 अप्रैल को होगी 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा। पेपर लीक हो जाने के बाद रद्द हो गया था एग्जाम। दौसा में महिला डॉक्टर सुसाइड के मामले में बड़ा एक्शन, दौसा के SP हटाए गए, SHO सस्पेंड और CA को लाइन हाजिर किया गया। दौसा मामले की जांच डिविजनल कमिश्नर को सौंपी गई, पुलिस की तरफ से हुई लापरवाही की जांच होगी। डॉक्टर अर्चना शर्मा मामले को लेकर पूरे राजस्थान में डॉक्टर सड़कों पर उतरे हैं। राजस्थान के दौसा में लेडी डॉक्टर ने की खुदकुशी, हत्या का केस दर्ज होने के बाद उठाया कदम। सरिस्का आग के मामले में फॉरेस्ट ऑफिसर की बड़ी लापरवाही, मैसेज मिलने के बावजूद सचिन तेंदुलकर की पत्नी की खातिरदारी में लगा रहा ऑफिसर। सरिस्का में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गिरी गाज, सरिस्का फील्ड डायरेक्टर RN मीना को हटाया गया। सरिस्का के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिशें जारी है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को पानी का छिड़काव कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े, दोनों की कीमत 80 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गई है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 101.81 रुपये हो गई है, डीजल की कीमत 93.07 रुपये प्रति लीटर है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमत के खिलाफ आज विजय चौक पर राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के सांसद। राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा PM की रोजाना की लिस्ट, पेट्रोल डीजल गैस का रेट कितना बढ़ाऊं, खर्चे पर चर्चा कैसे रुकवाऊं। आज कर्नाटक दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तुमकुरु में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्यसभा से रिटायर होने वाले सांसदों को आज दी जाएगी विदाई, राज्यसभा में फेयरवेल स्पीच देंगे PM मोदी, अगस्त तक 72 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सुरक्षा मामले की कैबिनेट समिति ने दी 15 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी, 3,887 करोड़ की आएगी लागत। रक्षा मंत्रालय ने LCH को बताया स्वदेशी रूप से विकसित आधुनिक हेलीकॉप्टर, कहा 45% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल इसमें हुआ है। लोकसभा में अमित शाह का ममता पर हमला, कहा हम विपक्षी कार्यकर्ताओं की हत्या कर सत्ता में नहीं आना चाहते। लोकसभा में पास MCD बिल का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी, संसद में गांधी मूर्ति के पास प्रदर्शन करेंगे आपके सांसद। दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ, तीनों निगमों की बजाय अब एक निगम हुआ। अमित शाह ने कहा MCD का बंटवारा आनन फानन में हुआ, दिल्ली सरकार ने MCD के साथ सौतेला व्यवहार किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में BJP और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच जबरदस्त मारपीट हुई, आप पार्षदों ने CM केजरीवाल की आवास पर विरोध करने को लेकर नारेबाजी की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने S जयशंकर से फोन पर बातचीत की, यूक्रेन को लेकर हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जेलेंस्की से की 55 मिनट तक फोन पर बात, $500 मिलियन की और मदद देने का वादा किया। रूस कीव और चेरनहीव में फिर से डिप्लॉय करेगा सैनिक, रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी। रूस ने जारी किया इस्कंदर मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का वीडियो, यूक्रेन में किया जा रहा है इसका इस्तेमाल। रूस ने यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया, रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया वीडियो। रूस ने तबाह किया यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइलों से लगाया गया निशाना। IPL में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, शाम 7:30 बजे से मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। ICC के टेस्ट ऑलराउंडर की रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचे रविचंद्रन अश्विन, पहले स्थान पर काबिज हैं रविंद्र जडेजा। ऋषभ पंत ICC टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर 11 पर, पंत बने दुनिया के सर्वोच्च रैंक वाले विकेटकीपर बल्लेबाज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।